मैं आलोक सिंह, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल की तरीके से इस साल भी 13 और 14 जनवरी को ही लोहड़ी की पर्व मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस बार भी आज 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो कि ये जो लोहड़ी का पर्व है, ये हमारे सिख समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो कि इस पर्व में लोहड़ी की में जब अग्नि लगती है तो इसकी इर्द गिर्द परिक्रमा भी करते हैं, और इस परिक्रमा में मूंगफली, गुड़ आदि का समर्पण भी करते हैं। और ये पर्व अपने फसल को लेकर के पंजाब के रहने वाले लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए हम यहाँ के लोगों के साथ जानना चाहेंगे कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और इस पर्व को मनाते हुए क्या क्या किया जाता है। आइए जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलविंदर कौर है। जी मैम, ये जो आपके यहाँ पे लोहड़ी की पूजा मनाई जाती है मकर संक्रांति के एक दिन पहले, तो इस पर्व को आप लोग कैसे मनाते हैं और इस पर्व आप कब से मना रहे हैं? जय, हम सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। जय, हमारे सिखों का त्यौहार है, लड़कियों का खास करके मेन त्यौहार होता है, जो लड़कों की शादी करते हैं उसकी खुशी में मनाई जाती है। पहली लोहड़ी होती है उनकी, और जैसे घर में कोई बेटा होता है, पोता आता है, उसकी भी पहली लोहड़ी। अब तो हम लड़कियों की भी करने लगे। ये खुशियों का त्यौहार, हम रल मिल के सब लोग मनाते। इसमें नई फसल आती है, पुरानी काटी जाती है। और जैसे कि यहाँ पे अग्नि लोहड़ी जलाई जाती है, तो जो अग्नि जलाई जाती है लोहड़ी की, तो इसमें आप लोग लोहड़ी की परिक्रमा भी करते हैं, तो इसको क्या कैसे क्या चीज़ समर्पित किया जाता है? इसमें हम लोहड़ी की पूजा करते, जलाई जाती है उसकी, हम पूजा करते हैं, उसमें हम लावा डालते हैं, रेवड़ी मूंगफली प्रसाद, वही प्रसाद हम सबको फिर बांटते हैं, वो हमारा प्रसाद बन जाता है। अच्छा, ये जो पर्व मनाती हैं आप लोग, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अगर जानना चाहें? का त्यौहार है, आपसी मिलाप का त्यौहार है। अच्छा, ये त्यौहार जो आप लोग मना रही हैं, तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले का त्यौहार है। तो हर वर्ष के तुलना में इस वर्ष जो आप ये पर्व मना रही हैं, इसमें क्या कुछ अंतर है और क्या कुछ हर्षोल्लास के लिए क्या कुछ अलग किया जा रहा है? खुशियाँ आ रही है भैया, सब हम मंगल कामना करते सबके लिए, खुशियों का ये त्यौहार आए सबके लिए, पूरा साल खुशियों से बतीत हो। जी मैम, ये जो त्यौहार है वो हर साल तो मनाया जाता है, हर साल के तुलना में इस साल क्या कुछ अलग है? अलग होता है, नए बच्चों की शादी होती है, किसी घर में पोता होता है, किसी घर में पोती होती है। ये हमारे पंजाबियों में, सरदार फैमिलियों में बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है, मुख्य त्यौहार है हमारा। तो इस बार जो त्यौहार है, इसमें क्या कोई मतलब कि यहाँ पे, जैसे कि हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी गैदरिंग है, इतनी लोग की इकट्ठा है, ये आपसी मिलाव का त्यौहार है आप लोगों का, तो इस त्यौहार में इस बार क्या कोई जन्म नया, कोई फैमिली में कोई नया जन्म हुआ है, या फिर किस चीज़ को लेकर? किस बार बेटी की मेरी शादी हुई है, बेटे की शादी, हमारी अच्छा, बेटी की, उसके ससुराल में हम लोग आए हैं लोहड़ी का त्यौहार मनाने। अच्छा, इसकी पहली लोहड़ी है। जी जी मैम, ये मेरी बहू है, इसकी पहली लोहड़ी है, हम लोग खुशियों से मना रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो आप इस लोहड़ी के त्यौहार है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपके लिए तो एक नई फैमिली मिल गई है, एक नया परिवार मिल गया है, और एक फैमिली को आप छोड़ के आई हैं, दूसरी फैमिली आपको मिल गई है, तो उस बेस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बस इट्स फैमिली फंक्शन है, मतलब त्यौहार है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट एंड ऑल से मनाया जाता है ये, बाकी सब खुश है। दैट्स इट। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट लोहड़ी है आफ्टर मैरिज, तो ये थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। बाकी तो हम लोग करते ही हैं, पूजा हर साल करते हैं, बट ये थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा विद ऑल द फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे सभी सिख परिवार की तरफ से यहाँ पे सब एकजुट होकर के इस बार सबसे बहुत अलग तरीके से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमारे साथ इतने लोगों ने बताया, अपनी सुख जाहिर की, हर्षोल्लास सबके चेहरे पे एक मुस्कान दिख रही है। भाई, लोहड़ी हमारे लिए, हमारे भतीजे की लोहड़ी है, बड़ी शुभ दिन है, और हम चाहते हैं कि ये लोहड़ी बहुत शुभ दिन के लिए मनाई जाए। जी मैम,
मैम क्या कहना चाहेंगी इस लोहड़ी के त्योहार के लिए? हैं, बहुत बढ़िया, खूब रौनक लगी है, हर साल ऐसी मनाई जाए। आज इस बार क्या कुछ खास है? हैं? इस बार क्या कुछ खास है? आज का नई दुल्हन है हमारी घर की बहू है, साल हो गया उनको। हर साल की तरह इस बार भी हर लोहड़ी का त्योहार इंजॉय किया जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, आइए अब इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार है ये लोग कैसे मना रहे हैं और क्या कुछ एक्साइटमेंट है और कितना एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम सिफत है एंड हम लोग लोहड़ी के त्यौहार पे हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, खासकर हम बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग को लोहड़ी के त्यौहार पे स्पेशली जो चीज़ें मिलती खाने के लिए, पॉपकॉर्न, मूंगफली एंड इतनी ठंड है उसमें हम लोग जब बैठ के, जैसे शहरों में तो हम लोग घर के अंदर मोस्टली रहते हैं, बच्चे ठंड में निकलते नहीं बाहर, ऑफकोर्स नहीं अलाउड होता है, तो हम लोग जब घर में ऐसे लोहड़ी वोड़ी होती है तो सब लोग पूरी फैमिली के साथ गैदरिंग होती है एंड आग के सामने बैठ के सब मतलब परिक्रमा करते हैं एंड विश करते हैं एंड सब लोग गैदर होके खुशियाँ मनाते हैं एंड खाते पीते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत मज़ा आती है, आई रियली एंजॉय इट। तो इस बार हर साल के तुलना में इस बार आपको क्या एक्साइटमेंट है इस बार? मेरे को इस बार एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों की जो फर्स्ट फंक्शन पड़ता है, लाइक उनकी मैरिज के बाद की फर्स्ट लोहड़ी, किसी के मतलब बेबी हुआ है तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी, तो इस बार तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे जिनको मुझे अटेंड करने का मौका मिला, सो मेरे को तो बहुत मज़ा आई अब की जी लोहड़ी में। मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उसमें आप बाहर आते हो, लाइक पहले ज़माने में होता है जैसे ओनली लड़कों की लोहड़ी या कपल्स की लोहड़ी बनाई जाती है, अब तो लड़कियों की भी लोहड़ी बनाई जाती है और इतना मज़ा आता है, फर्स्ट लोहड़ी इतनी स्पेशल होती है लोगों के लिए, उनको बहुत खुशी होती है अंदर से, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरी मासी की दो बेटियाँ हैं तो वो लोग बना रही है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस बार क्या इन्जॉयमेंट हो रहा है? इस बार लाइक मेरे चाचू की लोहड़ी है, फर्स्ट लोहड़ी, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लाइक अभी थोड़े टाइम बाद जैसे घर में होता है थोड़ी बहुत लोहड़ी जलती, थोड़ी बहुत फाई, लेकिन आपके फंक्शन में आए तो बहुत बड़ी फायर जलती है। क्या नाम लिखती है? तवलीन कौर। जैसे कि आज इस लोहड़ी का पर्व जो है हमारे सिख समुदाय के लोगों के ही बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसको देखते हुए आज हमारे साथ पपिलहरी जी हैं, आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लोहड़ी का त्यौहार होता है इस पे आज क्या कुछ अलग है और ये त्यौहार क्या कुछ लेकर के मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, यह आज हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे पंजाबियों में लोहड़ी का बहुत ही महत्व है और बहुत ही खुशियों का त्यौहार है हमारे लिए, हम लोग सब मिल के लोहड़ी मनाते हैं, चाहे हमारे घर में पहली शादी हो या कोई भी बॉर्न बेबी होता है तो लोहड़ी हमारी पहली प्रियोरिटी होती है जिसको कहते हैं, और हम लोग सब मिल के इसको एक उत्सव और एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है, तो आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हैं लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के लिए, सब प्यार बांटने के लिए आपस में। लोहड़ी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्या कुछ अलग है? ये एक अलग ही एक्साइटमेंट लेके आता है, हर साल ही कुछ ना कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होता है, और ये पंजाबी नहीं, जहाँ जहाँ हमारे पंजाबी यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, कहीं भी देश विदेश जहाँ भी पंजाबी हैं वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है, और हर साल एक नया ही एक्साइटमेंट होता है, प्यार से लोगों के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाया जाता है। ये लोहड़ी पर्व में आज का क्या कुछ नया है? आज का यही नया है कि मेरी शादी की पहली लोहड़ी है, मेरे लिए यही नया है, खुशियों का त्यौहार है, मेरे बड़े हैं यहाँ पे, जैसे कि साथ में आप देख रहे हैं पप्पू यादव जी, माननीय पप्पू यादव जी हमारे आलमबाग के, हमारे चाचा यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनका आशीर्वाद, इन लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है, मेरी शादी की पहली लोहड़ी है और सब मेरे बड़े, मेरे भाई सब मेरे साथ है, तो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे लिए वो कह सकती है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं, तो यही मेरे लिए एक एक्साइटमेंट है और यही मेरे लिए खुशी की बात है। ये कहेंगे कि ये पहली लोहड़ी है और पहली लोहड़ी जो है पंजाबियों में मतलब धूमधाम से बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है, चाहे क्या कहते हैं कोई पहला जन्म हो या शादी हो, तो ये बहुत ही मतलब सुन लो मतलब जो सबसे बड़ा पर्व जो है लोहड़ी पंजाबियों में मनाया जाता है। जी आप क्या कहना चाहेंगे पप्पी जी से? हाँ जो भाई साहब हमारे कहे पप्पू यादव भाई सब ठीक है, लोहड़ी जो है बहुत बढ़िया पर्व त्यौहार है और पंजाब में इसका बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ लोग जो मना रहे हैं, आज बड़े भाई का हमारे शायद शादी का सालगिरह भी है। हाँ शादी के बाद पहली शादी, अच्छा शादी के साथ पहली मतलब लोहड़ी इनकी यहाँ पड़ रही है। तो आज आपको क्या अलग एक्साइटमेंट मिल रहा है आपे? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे भाई छोटा जो है बना रहा है। जी आप बताएं। लोहड़ी का त्यौहार सबसे बड़ी चीज़ बहुत बड़ी खुशियों का त्यौहार है, जैसा कि सबने बताया होगा आपको कि लोहड़ी पहली अगर शादी होती है तो शादी के बाद जो पहला त्यौहार पड़ता है, पहली लोहड़ी जिसे कहा जाता है, बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो भी लोहड़ी का होता है, पहली लोहड़ी का मतलब ये नहीं होता लोहड़ी पहली होती है, मतलब शादी के बाद जो आने वाली पहला त्यौहार पड़ेगा अगर लोहड़ी का तो उसे पहली लोहड़ी कहा जाता है, उसी तरीके से जन्म।
लोहड़ी के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि लोहड़ी का त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, हर छोटे घर से लेके बड़े घर में सब लोग जाके एक संग्रह करेंगे। हम लोग भी यहाँ पे आए, त्यौहार मनाएंगे, घर में भी जाके मनाएंगे। लोहड़ी के त्यौहार के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी अलग अलग गाथाएँ भी हैं। इसमें दूल्हा भट्टी वाला करके आप लोग सुनते होंगे पंजाबी सॉन्ग चलता है, उसके मुताबिक तो लोहड़ी में ये था कि क्या आप उस सॉन्ग को थोड़ा सा हमारे कैमरे सॉन्ग नहीं आता दूल्हा थोड़ा सा करके पंजाबियों का डांस है। अभी जैसे लोहड़ी जब जलेगी और ढोल की बीट्स पे ही हम लोग के सारे डांस होते हैं। अभी आप ढोल की बीट अभी बजवा के आपको थोड़ी सी मैं दिखवाऊंगा और कैसे देखिए पंजाबी डांस करते हैं, दिल खोल डांस करते हैं। इसमें कोई स्टेप्स नहीं होता, इसमें जैसे आप नाचना चाहें वैसे नाच सकते हैं, त्यौहार का मौका है जैसे करना चाहें आप। अच्छा, ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, इसकी जो लोहड़ी का त्यौहार मतलब लोहड़ी जलाई जाती है तो इसके इर्द गिर्द परिक्रमा भी मैंने सुना कि किया जाता है, तो उसमें उस परिक्रमा में जो आग होती है लोहड़ी जलती है तो उसमें कुछ समर्पित भी किया जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है, आग परिक्रमा तो अग्नि देवता हम सब लोग मानते ही हैं, तो उसको अग्नि की परिक्रमा करते हैं। उसमें हम लोग परिक्रमा में जो प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद के रूप में आप भोग कह लो या भेंट कह लो चढ़ाते हो, वो प्रसाद में क्या क्या कुछ रहता है? उसमें आपके मूंगफली रहते हैं, आप वो गुड़ रहता है, काले तिल के लड्डू रहते हैं, उसके अलावा आपके पॉपकॉर्न वगैरह रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो तिल की है। इसमें एक कहावत कही गई, जिनने मेरे तिलफुल शरण उनने मेरे पाप चढ़न, मतलब पाप जो होते हैं हमारे वो झड़ें, और तिलफुल हम लोग तिल जलाते हैं, उससे हम लोगों को मनोकामना पूरी करने का वो मांगते हैं। हम मांगते हैं हर साल हमारा खुशियों का त्यौहार आए, जैसा कि रबी की सफल फसल काटी जाती है और नई फसलों की उपजाऊ की जाती है, तो इसको इसलिए भी नया साल के रूप में भी मना लिया जाता है कि नई फसलों को बोया जाएगा और रबी की फसल कटेगी। और ये जो परिक्रमा की जाती है वो कितने परिक्रमा आप लोग करते हैं? देखिए परिक्रमा तो पाँच की जाती हैं, कुछ लोग एक करते दो करते, लेकिन अन्यथा मतलब जनरली हम लोग पाँच परिक्रमा करते हैं और माथा टेकते हैं, परिवार की खुशी मांगते हैं और आगे आने वाले साल में हर साल लोहड़ी इसी तरीके से भरे पूरे परिवार के साथ आए, यही हम लोग कामना करते हैं। और इस परिक्रमा में क्या खाली पुरुषों के लिए होता है कि महिला दोनों लोग ही परिक्रमा कर सकते हैं? नहीं, पुरुष महिला बच्चे सब लोग परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान की पूजा जैसे सब लोग कर सकते हैं वैसे अग्निदेव की पूजा है, सभी लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा के साथ एंजॉय करते हैं, फिर उसी में से हम लोग प्रसाद निकाल के खाते हैं, वही प्रसाद का वितरण सबको किया जाता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब लोग मनाते हैं। कुछ लोग जितना ग्रैंड हो सकता है उतना करते चले जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने ग्रैंड ओकेजन के लिए किया हुआ है, स्नैक्स भी है, खाना भी है, अभी नीचे जलेगा, ढोल भी है, हर प्रकार की खुशी मनाने का एक वो है, हर लोग अपने हिसाब से खुशी मनाते हैं।